इस बीच आपको इंदौर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां इंदौर में कुओं और बावड़ियों पर धारा 144 लागू हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आदेश दिया, सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की तरफ से आदेश दिया गया है। आदेश में इंदौर में कुओं और बावड़ियों पर धारा 144 लागू की गई है, सुरक्षात्मक व्यवस्था को देखते हुए आदेश दिया गया है। ये आदेश की जो कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आदेश के जरिए से धारा 144 लागू की गई है इंदौर के कुओं और बावड़ियों पर। जो हादसा हुआ जिसमें 36 जिंदगियां खत्म हो गई, एक बावड़ी जिसके छत धंसने की वजह से, इस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रामनवमी के मौके पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई, हर कोई गम में डूब गया। लेकिन आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा जा रहा है। मिथिलेश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्या जानकारी पूरे इस आदेश को लेकर? इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 तहत आदेश जारी कर दिया है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि अब ये जो बावड़ी है, बावड़ी के आसपास किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है, जाने में पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसके साथ में नलकू, बोरवेल और तमाम अलग अलग चीज जहाँ पे ये घर के हाथ से हो सकते हैं, सभी को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी की तरफ से। इस वक्त फिलहाल हम जो बावड़ी है जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ था वहाँ पे मौजूद भी है। आसपास पुलिस की जो ड्यूटी है तैनात कर दी गई है, पुलिस की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सुबह से लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो कहीं कहीं अब इस वक्त जो बावड़ी है उसके आसपास में टीम का सेट लगा के उसे कवर किया गया है, और टीम के सेट के आसपास लोग जाके वीडियो बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। तो हादसा कभी भी कुछ और भी हो सकता है, इसके मद्देनजर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है धारा 144 तहत की अब बावड़ी के आसपास किसी कभी जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल बावड़ी के आसपास इस वक्त पुलिस है और चारों तरफ से बावड़ी को कवर कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जब यहाँ पे पहुंचे थे तो पुलिस ने बताया कि पूरा जो एरिया है वो जांच के घेरे में है और अंदर अब तीन सेट लगा के पूरी तरीके से कवर कर दिया गया, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अंदर नहीं गए थे, रहवासियों से उनकी बाहरी मुलाकात हुई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका।